अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन न्यू वीडियो। माय नेम इज मुजरमान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि 1000 व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं या 100 व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 से 15 या 20 व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं। तो थंबनेल से आपने कुछ अंदाजा लगा लिया होगा, बाकी आज आपको बहुत कुछ चेंज मिलने वाला है। उसके बाद RPM CPM क्या होता है, ये सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं, और ये इंक्रीज कैसे होगा इसके बारे में बात करने वाले हैं, और कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो कि YT स्टूडियो के अंदर एक नई अपडेट हुई है, वो भी सबके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। तो ये चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो आज हम मैं आपको जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो वीडियोस के अंदर जो भी हम वीडियोस बनाते हैं तो हमारे कितने व्यूज़ पे कितनी अर्निंग होती है। थंबनेल के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने कहा है कि 25 व्यूज़ पे कितनी होती है, 15 व्यूज़ पे कितनी होती है, और 30 व्यूज़ पे भी कितनी हमारी अर्निंग होती है। तो वो हम आज सारा जायज़ा लेने वाले हैं, क्योंकि आपने 1000 व्यूज़ पे कितनी अर्निंग होती है ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा। 100 व्यूज़ पे कितनी अर्निंग होती है ये भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी। आज हम बात करने वाले हैं कि 15, 25 या 30 व्यूज़ के ऊपर हमें कितने डॉलर तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा पुरानी नहीं, मैं एक न्यू वीडियो खोलता हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोई 600 व्यूज़ हैं और यहाँ पर हमें 600 व्यूज़ पे कितने डॉलर मिले हैं सिर्फ इस वीडियो के ऊपर, वो हम चेक करेंगे आज। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 9 डॉलर हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, मैं आपको आगे जाके डिवाइड करके दिखाऊंगा। तो उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी वीडियो हैं जिनके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें 575 व्यूज़ हैं इस पर, और इसकी क्या अर्निंग है, इसकी अर्निंग है 8 डॉलर, मतलब क्या लगा लो कि 100 व्यूज़ पर हमें 1 डॉलर मिला है, ठीक है। अब ये सब आप लोगों ने देख लिया और बहुत कुछ सुना भी होगा, बट मैं अब आपको जो हैरान करने वाली चीज़ दिखाने वाला हूँ वो अब आपको दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पर, जिस पे 410 व्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितनी हमारी अर्निंग हुई है, तो हमारी अर्निंग हुई है यहाँ पे 23 डॉलर, ठीक है। 23 डॉलर किस हिसाब से हुई है, तो अभी हम ये भी लगा के चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे 20 नहीं, आई थिंक हमें यहाँ पे 15 डॉलर, 15 व्यूज़, अगर हमारे 15 व्यूज़ पे हमें 1 डॉलर मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारे 23 डॉलर हैं, ठीक है। 15 व्यूज़ पे 1 डॉलर के हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे बन रहे हैं 345। तो मेरे ख्याल से ये 20 का हिसाब हो सकता है, या 20 का भी नहीं बल्कि 18 को अगर हम करके देखें मल्टीप्लाई 23, आई थिंक 20 का ही होगा, शायद 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 23 से, तो आई थिंक ये एक उस फिगर में लगभग आ गया है। मतलब कि आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि हमारे 20 या 22 व्यूज़ के ऊपर हमें 1 डॉलर दे दिया है यूट्यूब ने, ठीक है। 20 या 22 व्यूज़ के ऊपर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों के सामने। अब हम यहाँ से इसको बैक करते हैं, बैक करने के बाद एक इसके नीचे वीडियो उसके ऊपर भी देख लेते हैं कि भाई उसके ऊपर हमें कितने मिले, और इन सबको जो मतलब के अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमें 1000 व्यूज़ पे कितने मिल सकते हैं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि RPM और CPM में किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जैसे हमारे 650 व्यूज़ हैं, वहाँ पे हमें 14 या 15 डॉलर मिले, जो कि आई थिंक 2000 होंगे, ऐसे कुछ पाकिस्तानी ऐसे कुछ बनते होंगे। तो उसके अलावा हमारी एक ये वीडियो है, तो खैर अभी हम कोई और वीडियो देख लेते हैं, जैसे कि हमारी 501 हमें यहाँ पे व्यूज़ हैं, और यहाँ पे हमारे कितने डॉलर बने हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 11 डॉलर मिले हैं, इसी तरीके से हमारी ये वीडियो है जिसके ऊपर 260 या 270 व्यूज़ भी अगर आप लगाओ, तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे कितने डॉलर मिले हैं हम ये भी चेक कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि हमें यहाँ पे 18 डॉलर मिले हैं। 18 डॉलर का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं, और अभी हम इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितने पे कितना बन रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं 15 को मल्टीप्लाई करता हूँ 18 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 270। यहाँ पर व्यूज़ हैं 2 कम है, ठीक है, मतलब कि 15 व्यूज़ के ऊपर हमें यहाँ पे 1 डॉलर यूट्यूब दे रहा है, ठीक है, इस वीडियो के ऊपर हमें
इस हिसाब से मिल रहा है, तो इसका चक्कर क्या होता है। अब हम जाते हैं रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद हमें एक चीज़ दिखा रहा है वो कि हमारा जो RPM है वो $70 है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर अगर आपके 18 मतलब के 200-300 व्यूज़ की जगह पर अगर आपके यहाँ पे 1000 व्यूज़ होते इस जगह पे, अगर इधर आपके 1000 व्यूज़ होते तो कम अज़ कम भी आपकी जो अर्निंग होनी थी वो आपके $70 होने थे, ठीक है। CPM क्या है? CPM वो है जो कि आपको क्लाइंट दे रहा है, ठीक है, मतलब कि जो एडवर्टाइज़र है वो आपको कितने पैसे दे रहा है, किस हिसाब से दे रहा है, उसके बाद आपकी कटिंग होती है जब जाके वो आपको पैसे मिलते हैं, क्योंकि YouTube खुद भी पैसे रखता है, बात आई थिंक आप लोगों को पता होगी। तो ये होता है इस तरीके से। बट हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी अर्निंग है। आप सब भी माशाल्लाह बोल देना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक नॉलेज में आपके इजाफा करना चाहता हूँ कि आपके 25, 15 या 20 या आपके 30 व्यूज़ 40 व्यूज़ पर आपको कितने मिलते हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि यार हर किसी को मिले, बट मैं एक अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, अपनी एक शेयर कर रहा हूँ अपना कुछ, कि आप लोगों को भी इस चीज़ का पता हो। जैसे कभी यहाँ पे 460 हमारे व्यूज़ हैं, अगर हम इसके भी चेक करते हैं एनालिसिस में जाके कि क्या हमारा बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे $12 बन रहे हैं। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी वीडियो हैं, बट ये कि मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद का भी अंदाज़ा नहीं है कि यार किस पे ज़्यादा बने या किस पे कम बने, तो इस वजह से मैं आप लोगों को जो मुझे लगता है कि जिस पे ज़्यादा बने होंगे मैं सिर्फ वही दिखा रहा हूँ। अगर इस पे 303 व्यूज़ हैं तो इस पे क्या बन रहे होंगे चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर $20 बने। अभी $20 किस हिसाब से बने हम ये भी अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अगर हमारे 15, आई थिंक ये भी 15 व्यूज़ के ऊपर ही बन रहे होंगे, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अगर ये हमारे 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 300 बन रहा है, मतलब कि 15 व्यूज़ पे हमें यहाँ पे भी $1 मिला है। तो अब आप खुद चेक कर सकते हो कि यार YouTube जो है वो आपको पेमेंट देता है और अच्छी पेमेंट देता है अगर आप अच्छे से काम करो। अब जो भाई YouTube पे हैं वो उनके लिए मोटिवेशन है इस चीज़ की, इस वीडियो की, कि यार वो अच्छे से काम करें ताकि वो भी इतना अच्छा अर्न कर सकें। बाकी जो लोग YouTube पे नहीं है बट अर्निंग करना चाहते हैं, तो एक उनको मैं दावत दूंगा कि वो YouTube पे आके काम करें, क्योंकि रियल वर्क जो है वो सब कुछ यहीं पर ही है, उसके अलावा कहीं पर भी कुछ नहीं है, ठीक है। और ये कि इंशाल्लाह भी हमारी एक या दो दिन के अंदर हमारी पेमेंट आ जाएगी, तो ये कि आपको उसकी वीडियो भी मिलेगी। और माशाल्लाह बोल देना यार, दुआ देना, और कोई इसमें मैं किसी को कोई जेलिसी या कुछ भी इस तरीके का कुछ नहीं कर रहा। बस ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाए, कुछ आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ कि भाई इतनी अर्निंग भी होती है। 244 व्यूज़ हैं, अगर इसके ऊपर भी हम अर्निंग चेक करें तो हमारी कितनी अर्निंग हुई है हमें वो भी अभी दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 6 या 7 हमारे डॉलर बने हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पर आ गए, क्योंकि हर किसी की अलग अलग होती है। CPM RPM पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं भी आपको बताता हूँ कि हमारी एक ये वीडियो है, ठीक है, अब इसके ऊपर 500 व्यूज़ हैं, बट यहाँ पर अर्निंग कितनी हम वो भी चेक करते हैं, और इस पर RPM CPM क्या होगा हम वो भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ $5 हैं, ठीक है। शायद ये कल अपडेट हो तो बढ़ जाए, बट यहाँ पे आप RPM चेक करो कि 10 है, मतलब कि अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ $10 हमें मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वरना RPM लोगों का 1 या 2 ऐसे ही कुछ होता है, ऐसा ज़्यादा नहीं होता। तो भाई यही थी आज की वीडियो, और आप लोगों का शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। ऐसी सपोर्ट करते रहो, और जो भाई भी प्रमोशन या कुछ भी करवाना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आकर लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अल्लाह